दोस्तों क्या तुम्हें पता है हिंदू धर्म के 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता कौन है? तो दोस्तों मैं बता दूंगा, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा लें। दोस्तों बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जिनको पता नहीं है कि सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता कौन है। ऐसे में तो सभी देवता शक्तिशाली हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवता। तो दोस्तों नंबर 10 पे आते हैं भगवान यम। दोस्तों यम जिसे यमराज के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक पौराणिक कथाओं में मृत्य के देवता हैं। दोस्तों माना जाता है कि वो पहले नस्वर प्राणी थे जो मृत्यु के बाद मृतकों के राजा बन गए। तो दोस्तों नंबर 9 पे आ जाते हैं देवराज इंद्र। दोस्तों देवों के राजा इंद्र देवराज इंद्र हैं। वह बिजली बारिश और नदी के प्रवाह के देवता हैं। उनके पास एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है जिसे वज्र कहते हैं। दोस्तों इंद्र के पास एक सफ़ेद कलर का एरावत नाम का हाथी है जो बहुत ही ज़्यादा विशाल का और ताकतवर है। तो दोस्तों नंबर 8 पे आ जाते हैं भगवान बुद्ध। आप में से कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के थे। दोस्तों वैष्णव हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार और बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवक्तक भी हैं। पर दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 7 पर आ जाते हैं भगवान ब्रह्मा। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा को स्वयंभू स्वयं जन्म के रूप में जाना जाता है। उनके 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं में देखते हैं। कई कथाओं में उन्हें विष्णु से पैदा हुआ भी बताया जाता है। दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 6 पर आ जाते हैं भगवान गणेश जी। तो भगवान गणेश जी जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध हैं। उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में भी पाई जाती है। दोस्तों गणेश जी की भक्ति जैन और बौद्ध धर्म में भी फैली हुई है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और अच्छे काम में शुरुआत से पहले उनको पूजा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब।